नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान विहार विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में तमारू स्वागत छे। आज आपणे भणीशुं धोरण 5, विषय छे हिंदी। तो एमां आपणे आजे रिविजन ज करवानुं छे। अगाउना विडियो में आपणे रिविजन कर्या एक वाक्यना प्रश्नों, खाली जगह एक दो शब्दना प्रश्नों, विकल्पों, एवं बधुं आपणे अगाउ रिविजन कर लीधुं। तो आज हमें आप रिविजन करीशुं खरा खोटा, सही और गलत। तो टोपी वाला और बंदर कहानी के आधार पर सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए, सही और गलत। तो आप जो है तो पाठ पहला बीजा तीजा में नहीं आपेला, हमें पाठ चौथा में है। तो ये सही और गलत का चिन्ह कीजिए, एना विषे रिविजन करीशुं। तो एमां पेलू छे के व्यापारी कपड़े ले जा रहा है, तो ये विधान केवू छे तो के गलत, एटले के खोटू। पछी बीजो, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है, वह विधान तो के सही, एटले के साचू। त्रीजो, पेड़ के ऊपर बंदर है, वह विधान तो के सही, एटले के साचू। चौथो, बंदरों ने कपड़े ले लिए, तो के गलत, एटले के खोटू। व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी, तो के सही। त्यार पछी पाठ 5 में आपेला छे कि निम्नलिखित सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। एमां पहेलुं छे कि नवीन पिंजरे से काफ़ी दूर रहकर जानवर देखता है, तो के सही। अरुणा जानवरों के पास जोर से चिल्लाती है, तो के गलत। शिल्पा जानवरों की ओर कंकड़ फेंकती है, तो के गलत। राजू जानवर को चिढ़ाता है, तो के गलत। अनिल चुपचाप जानवर को देखकर आगे निकलता है, तो के सही। पछी आपणे रिविजन में जोशुं तो समानार्थी शब्द, पाठ 3ना समानार्थी शब्द छे। एमां पहेलुं, राही एटले के मुसाफिर अने पंथी, सिपाही एटले के फौजी अने सैनिक, धरती एटले पृथ्वी अथवा धरा, रास्ता एटले पंथ अथवा राह, मंजिल एटले लक्ष्य अथवा ध्येय, नन्हा एटले छोटा, दम एटले सांस, वतन एटले देश, चलन एटले व्यवहार आचरण। पछी छे पाठ 3ना निम्नलिखित शब्दों के विमोल शब्द एटले के विरुद्धार्थी शब्द। એમાં જોશું કે જીના તો મરના, આગે તો પીછે, દાયા તો બાયા, ધૂપ તો છાંવ, ધરતી તો આકાશ, બડા તો છોટા, ઊંચા તો નીચા, શાંતિ તો અશાંતિ, પ્યાર તો નફરત, अंधेरा तो प्रकाश, पास तो दूर, कठिन तो सरल, ज्यादा तो कम, अंदर तो बाहर। पछी आपेला छे हवे पाठ 5 में निम्नलिखित शब्दों के विमोल शब्द लिखिए। एमा पेलू, धूप तो छाव, बीजू बाहर तो भीतर, ત્રીજું લેના તો દેના, ચોથું ડર તો નિડર, પાંચમું કાલા તો ગોરા, છઠ્ઠું પાસ તો દૂર, સાતમું આમને તો સામને, આઠમું ધીરે તો તેજ। ત્યાર પછી હવે જોશું તો કે મહાવરે કે અર્થ ઓર વાક્ય પ્રયોગ કીજે। એમાં પહેલું છે કે મર મર કર જીના, એનો અર્થ શું થાય?
तो के बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। एमा वाक्य देश भक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। बीजू दम लेना तो के आराम करना। मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा। पची छे पसीना बहाना तो के बड़ी मेहनत करना। एनु वाक्य छे किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। चौथो आँखों का तारा बहुत प्यारा। हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। पची अहीं पाठ पाँच में नीचे दिए गए पक्षी का नाम और प्राणी का नाम लिखी। तो पक्षी और प्राणियों नाम आप्या छे हिंदी और गुजराती में बे में आप्या छे ए जोईए तो के मोर तो एने गुजराती में पण शू कहेवाय मोरज। पछी छे तोता तो तोता ने आपणे गुजराती में शू कहीशू तो के पोपट ने पोपट ने हिंदी में शू कहेवाय तो के तोता। बे रीते थाय। पछी छे चिड़िया एटले के चकली। पछी छे कौवा एटले के कागड़ो। पछी छे चील एटले के समडी। पछी छे बथक एटले के बतक। पछी छे मोरनी एटले ढेल। पछी छे उल्लू एटले कुवड। पछी नीचे छे मुर्गा एटले के कूकड़ो अने मुर्गी एटले के मरघी। पछी खरगोश एटले ससलू। पछी गेंडो एटले गेंडो। भालू एटले के रीछ। पछी बाघ एटले के वाघ। शेर एटले सिंह। भेड़िया एटले वरु। हाथी एटले हाथी। मगर एटले मगर। ने ऊंट एटले ऊंट। छेले आई पूछे ऊंट। पछी मछली एटले माछली। पछी आई पूछे नेवला एटले नोड़ियो। हिरण एटले हरण। चमगाद एटले चामाचीडियू। गिदड़ एटले शियाळ। गिलहरी एटले खिसकोली। कछुआ एटले काचबू। पछी छे बंदर एटले वांदरो। पछी छे कातुआ एटले काका कौवा। जिराफ एटले जिराफ। शुतुरमुर्ग एटले शाहमृग। आ बधा आपणे पशु प्राणीओ पक्षी अने प्राणीओना नाम हिंदी अने गुजरातीमां જોયા જોઈએ ને। અમુક સરખા સરખા જ થાય હિન્દી અને ગુજરાતીમાં, પણ અમુક બધા હિન્દીમાં જેમ કે તોતા કહેવાય તો એને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ પોપટ, એમ અલગ પણ થાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અહીંયા સુધી રિવિઝન કરી લીધું। હવે પછીનું જે રિવિઝન છે એ આપણે બીજા વિડીયોમાં કરી લેશું। નમસ્તે, ધન્યવાદ।